ओके okay. तो पहले तो आप ये बात समझें कि भाई जमीन के अंदर जो पानी होता है वो एक पोटेंशियल पे जो है वो होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। वो एक ताकत के साथ जमीन में रहता है। तो फील्ड कैपेसिटी का जो वाटर है, या किस जगह को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, ये वो वाली स्टेज होती है कि भाई अब फर्दर जो ड्रेनेज है या जो मैक्रोपोर से पानी है वो नहीं जाएगा नीचे। अब जितना भी पानी है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है। तो इस कैपेसिटी, सॉरी, इस स्टेज को हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। आमतौर पर हम इसको कहते हैं सिंधी में जो ना जमीन वट में अची वही, ठीक है ना। हाँ, जमीन जेनी मल वट में अची वही तो हाने न कि लाए बना बेस्ट समझो इंदो आ बाबा जमीन जने वट में अचे तो पो ता बिज बिज छट को। सो इन के यो वट वाली जगह जमीन आ, या प्रैक्टिकली जकर साइंटिफिकली ता न गाल के समझो तने के जे बो फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी एक ऐसी पोजीशन है जहां पर सॉइल के अंदर जो ड्रेनेज वाटर होता है वो खत्म हो जाता है और सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो अब उस पोटेंशियल के ऊपर होल्ड हुआ हुआ होता है कि प्लांट्स उसको आसानी से जो है वो अपटेक कर सकें। तो ऐसी जो है वो चीज को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अब फील्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो भाई वाटर और एयर कंटेंट जो है वो सॉइल का इस मयार का होता है कि आपकी जो क्रॉप है उसके लिए एक आइडियल सिनेरियो बन जाता है। उसके बाद आती है परमानेंट वेटिंग पॉइंट, ठीक है। पहले आपने वाटर दिया, कुछ वाटर जो है वो आपका ड्रेनेज की वजह से या ग्रेविटेशनल वाटर की सूरत में बह गया। उसके बाद जो पानी बचा उसको हम कह रहे थे परमानेंट वेटिंग पॉइंट, सॉरी फील्ड कैपेसिटी। अब जो फील्ड कैपेसिटी वाला पानी है वो आराम आराम से आपके जो प्लांट्स हैं वो अपटेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपके टॉप सॉइल से एवेपोरेट भी हो जाएगा, लेकिन जितना भी है वो आपकी जो है वो प्लांट्स उसको अपटेक कर देंगे। अगर आप फर्दर कोई पानी अप्लाई नहीं करते या आपके पास रेनफॉल नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जमीन आपकी सूख जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसे नहीं है कि हमने एक बार पानी दे दिया तो 6 महीने तक वो पानी चलेगा, नो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई जब आपने इरिगेशन की, कुछ पानी ड्रेनेज वाटर की सूरत में बाहर निकल गया, कुछ फिर आपकी फील्ड कैपेसिटी पे सॉइल आ गई, अब जितना पानी उसके अंदर था वो प्लांट्स ने ले लिया। अब क्या होगा कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अब जो माइक्रोपोर्स के अंदर जो पानी है वो बचेगा। अब जो माइक्रोपोर्स के अंदर जो पानी होता है वो इतना टाइटली हेल्ड होता है आपकी जो है वो एडेशन की वजह से, और प्लांट्स को उसको अपटेक करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है जो कि वो नहीं लगा सकते। तो जैसे ही आपकी सॉइल जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, जो पानी आपकी जमीन में बचता है वो डिफिकल्टली जो है वो अपटेक होता है वाया प्लांट रूट्स, ठीक है। तो ऐसी स्टेज जहां पर आपके प्लांट के लिए जो वाटर है वो बिल्कुल मुयसर होना बंद हो जाए, जमीन में है भले पड़ा हुआ हो लेकिन प्लांट की पहुंच से वो दूर हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्यों कहा जाता है कि ये ऐसा स्टेज आ गया है कि जब पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो पौधे का क्या हाल होगा। अल्टीमेटली पौधा जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके लीव्स का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, एंड देन इट विल इवेंचुअली डाई। तो ये तीन किस किस्म के पानी होते हैं। जब आप देते हैं तो सैचुरेटेड स्टेज होती है, उसमें से आराम आराम से कुछ जो पानी है वो बह जाता है, जाया हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, जो प्लांट के किसी काम का नहीं होता। उसके बाद जब ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो खत्म हो जाता है और प्लांट और ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर आपकी जो सॉइल है उसमें जो पानी है वो अब प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाए, उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। जब फील्ड कैपेसिटी पे आपकी जमीन आ जाती है तो प्लांट्स क्या कर देते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए या अपनी एक्टिविटीज के लिए जितना भी पानी है वो सारा का सारा उठा लेते हैं, क्योंकि पानी की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है इरिगेशन में। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है वो ड्राई आउट होना जो है वो शुरू हो जाती है। वंस आपकी सॉइल ड्राई हो गई तो अब प्लांट को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जब घर में मोटर लगाते हैं पानी वाली तो हमसे जो प्लम्बर है वो पूछता है कि सर आपका बोर कितने जो है ना वो फुट पे किया हुआ है, क्योंकि मोटर की अपनी पावर है। आप ये कहते हैं कि भाई हमारी जो है वो 300 मीटर जो है वो फुट नीचे और आप लगा दें 2 हॉर्स पावर की मोटर, खींचेगा ही नहीं। तो प्लांट्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
जहां पर इरिगेशन वाटर जो अप्लाई किया था आपने वो अब प्लांट्स के लिए अवेलेबल ना हो और वो इतनी जो है वो शदीद किस्म की जो है वो कमी का शिकार हो जाए कि उनके पत्ते झड़ना शुरू हो जाए और उनकी जितनी भी चीजें हैं वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो इस स्टेज को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। चौथा आता है अवेलेबल वाटर। बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल वाटर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट के ऊपर पानी अवेलेबल होता है? तो अवेलेबल वाटर से मुराद पानी का वो पोर्शन व्हिच कैन बी रिटेन्ड इन सॉयल, ठीक है, दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज अवेलेबल वाटर। वो पानी इरिगेशन वाटर के पानी का वो हिस्सा जो जमीन में रहकर पौधों की जरूरियात को पूरा कर सके उसको हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखें तो अवेलेबल वाटर क्या होता है, आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है और आपकी जो विल्टिंग पॉइंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने क्या किया था, पानी अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी का वाटर लेवल आपका ये था, जब आपका पानी यहाँ तक पहुंचा ये तो सारा बह गया नीचे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बह गया नीचे, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ तक आ गए तो ये आपकी आ गई फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पानी है उसको हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। और ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, ये सॉयल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दफे हर टेस्ट में आता है, सॉयल साइंस की टेस्ट में तो हर दफे आता है, एग्रीकल्चर में भी ये पूछते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो ऊपर वाला है ना, जब आपकी जमीन फील्ड कैपेसिटी पे आती है तब जो पानी होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल है, लेकिन जब वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी अब उसके बाद भले पानी मौजूद हो जमीन के अंदर लेकिन वो आपकी सॉइल को नहीं मिलता। सो द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अवेलेबल वाटर, ये याद रखें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन एंड द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर प्रीशियस टाइम, वी आर ऑलरेडी लेट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आई होप के आप लोगों को जो है ये चीजें सही तरीके से समझ आई होंगी। आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आज आपके क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। या वेलकम, आई होप इट्स फातिमा LZ44। थैंक यू फॉर यूर आप लोगों को तो सुनना था, मैं तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ पिछले 2.25 घंटों से, एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल टू। या इट वॉज अ लेंथी टॉपिक, लेकिन कुछ कभी कभार कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। आप लोगों से ज्यादा मुझे टफ टाइम मिला है कि भाई